नमस्कार दोस्तों, रिव्यू करेंगे इस वीडियो में एपी ड्रॉप आई ड्रॉप के बारे में। जानेंगे भाई क्या होती है, कौन सी प्रॉब्लम में काम आती है, कौन इसको प्रिस्क्राइब करता है, इसकी डोज क्या होती है, कितने दिन तक डालने की आती है, ये काम किस तरह से करती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम में ये काम आ सकती है, सब कुछ जानेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए, एपी ड्रॉप एक ब्रांड है, इसका अजंता कंपनी का ये प्रोडक्ट आता है, अजंता कंपनी बनाती है, ये ब्रांड नेम है एपी ड्रॉप। दोस्तों, इसको आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं। कभी भी इस दवा का सेल्फ यूज मत कीजिएगा। ये आंखों में डालने की आई ड्रॉप आती है, इसके अलावा इसका कहीं पर यूज नहीं किया जाता। जानते हैं इसके बारे में कि ये क्यों देते हैं। तो देखिए, इसके अंदर जो कंटेंट आता है, जो मेन सोल्ट आता है, उसका नाम है मोक्सीफ्लोक्सासिन 0.5% वेट बाई वॉल्यूम। दोस्तों, मोक्सीफ्लोक्सासिन एक एंटीबायोटिक्स होता है। जब आंखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो वहां पर डॉक्टर उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि आंखों के अंदर इन्फेक्शन होने के कारण हो सकता है कि पानी पड़ने लगे, आंखें लाल रहती है, आंखें चिपकी हुई मिलती है, ठीक है, गेड निकलती है, ठीक है, आंखों से बहुत ज़्यादा ड्राई रहने लगती है आंखों में टाइटनेस महसूस होता है, या मीठी मीठी खुजली चलती है। तो ये जो सिम्टम होते हैं, ये इन्फेक्शन के होते हैं, तो वहाँ पर डॉक्टर दे सकते हैं। या दोस्तों, कुछ गिरने के कारण कुछ मच्छर पड़ जाए या कोई पार्टिकल आंख में लग जाए, जिसके कारण फिर इन्फेक्शन ना हो, तो वहाँ पर भी डॉक्टर दे सकते हैं, प्रिवेंट करने के लिए इन्फेक्शन से पहले ही दे सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ डॉक्टर मशीन से चेक करके देते हैं, तो इसलिए इसे आई स्पेशलिस्ट की देखरेख में लेनी चाहिए। या दोस्तों, जानते हैं आंख आना कहते हैं ना, आंख आ रही है, आंखें लाल रहती है, गीड़ निकलती है, तो वहां पर भी दी जाती है। बात करते हैं भाई काम किस तरह से करती है, मोड ऑफ एक्शन क्या है। देखिए, मोड ऑफ एक्शन के इसका बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ाते हैं, बैक्टीरियल क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं, तो वहां पर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये मारकर काम करती है। कुछ एंजाइम कुछ प्रोटीन्स को भी बनने से रोक देती है, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। बात करते हैं कितनी बार डाली जाती है। तो वैसे तो इसकी जो डोज होती है, ये डॉक्टर बताते हैं, वैसे कम से कम आप 4 बार डाल सकते हैं। मैक्सिमम दिन में 4 बार एक एक ड्रॉप डाल सकते हैं। अगर कम डॉक्टर ने कम बताया है, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, डॉक्टर के हिसाब से डालनी चाहिए। वैसे तो बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं डालने के बाद। वैसे तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर हो तो, जैसे कि डिसकंफर्टेबल महसूस हो सकता है, बर्निंग प्रॉब्लम हो सकती है, या आंखें ड्राई रह सकती है, लेकिन ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं। इस आई ड्रॉप की सावधानी बस यही है, कभी भी इसका सेल्फ यूज नहीं करना है। दोस्तों, डालने के बाद भी अगर 3-4 दिन के अंदर आराम नहीं मिले, तो एक बार आपको फिर से डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।